गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स की। देखिए, रे ऑप्टिक्स में अपने पास में जो पोर्शंस हैं उसमें अपन बात करेंगे रिफ्लेक्शन की, रिफ्रैक्शन की और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। तो सबसे पहला जो पार्ट है रिफ्लेक्शन, वो अपने कोर्स से हटा दिया गया है। लेकिन अपन इन वीडियो लेक्चर्स में जो है अपन बात करेंगे रिफ्लेक्शन की, और रिफ्रैक्शन जो है वो तुम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में चल ही रहा है। तो उस केस में अगर किसी को किसी चीज़ में रिफ्लेक्शन में दिक्कत होती है तो वो इससे गो थ्रू हो सकता है। सबसे अपन बात करें कि अपना चैप्टर जो है वो है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स मीन्स एक ऐसी ब्रांच जो रे नेचर ऑफ पार्टिकल या रे नेचर ऑफ लाइट पर डिपेंड है, या अपन बात करें कि एक ऐसी चीज़ जिसमें अपन कुछ फिनोमिना जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट पर अपन डिस्कशन करते हैं। एक्चुअल में रे क्या होती है और रे ऑप्टिक्स क्या होती है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। रे क्या है? रे ऑफ लाइट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलोड बाई लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब अगर एक लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, तो जो इसका स्ट्रेट लाइन पाथ है, ये जो स्ट्रेट लाइन पाथ है, इस पाथ को ही अपन क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं, जब ये एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। द रे ऑप्टिक्स देयर फॉर यूजेज फॉर ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइन्स विथ टू रिप्रेजेंट माइक्रोस्कोपिक फिनोमिनाज। मतलब बहुत छोटे छोटे फिनोमिनाज हैं लाइक रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एक्सेट्रा। मतलब अपन एक ऐसी ब्रांच के बारे में बात कर रहे हैं जो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने वाली लाइट्स के फिनोमिनाज के बारे में अपने को बताती है। इसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। सो जो पहला फिनोमिना है वो फर्स्ट फिनोमिना है अपना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बारे में थोड़ा सा अगर अपन डिस्कशन करें तो वह यहाँ पर अपन देख सकते हैं। रिफ्लेक्शन इज़ द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट, पाथ ऑफ लाइट, लाइट के पाथ में चेंज विदाउट एनी चेंज इन मीडियम। मतलब मीडियम में चेंज नहीं होना चाहिए, केवल और केवल पाथ में चेंज होना चाहिए। जैसे कि अपन बात करें कि एक सरफेस से लाइट आगे टकराई, टकराने के बाद इधर चल गई, क्या सेम मीडियम में गई? सेम मीडियम में गई है, लेकिन क्या हुआ, वो दूसरे मीडियम में नहीं गई, लेकिन फिर भी उसका पाथ चेंज हो गया। तो अपन को रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए एक ऐसी सब्सटेंस की ज़रूरत है या एक ऐसी सरफेस की ज़रूरत है जो मोस्ट ऑफ द रेज को क्या कर दें? रिफ्लेक्ट कर दें या वापस बाउंस बैक कर दें। ऐसी सरफेस को अपन बोलते हैं मिरर। मिरर क्या होता है? अ स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड सरफेस। वेल पॉलिश्ड सरफेस का मतलब वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाए, मतलब पॉलिश्ड उस पर अच्छी तरीके से हो। सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स रेगुलरली, जो रेगुलरली रिफ्लेक्ट करें मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट, जो इस पर आने वाली लाइट को, मोस्ट ऑफ द लाइट को क्या कर दे? रिफ्लेक्ट कर दे। ऐसी सरफेस को अपन बोलते हैं मिरर। देखो, मिरर के बारे में बात की गई है, मिरर को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है। ये जो है ये एक मिरर है जिसमें एक प्लेन स्मूथ सरफेस है, उस स्मूथ सरफेस के एक पार्ट को अपन ने क्या कर दिया? कोटिंग कर दिया, और एक पार्ट को क्या बना दिया? जो है स्मूथ बना दिया। एक रे आई, टकराई, टकराने के बाद इधर चली गई। इसमें जो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है सरफेस का, और सरफेस के परपेंडिकुलर एक प्लेन बना दिया जाता है, एक प्लेन बना दिया जाता है जिसको अपन बोलते हैं नॉर्मल। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को अपन बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर अपन एक 3D व्यू देखें तो ये जो रे है आई और ये इधर चली गई और ये नॉर्मल, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। मतलब इनका जो प्लेन होता है वो एक ही होता है। ये लो है, एक रिफ्लेक्शन का लो बोलते हैं इसको। देखो बोला क्या गया है, इफ इन फिगर M1 M2, जो फर्स्ट वाला फिगर है, इज़ ए प्लेन मिरर, ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन इट ऑन द मिरर अलोंग OA या AO, कहाँ से कहाँ तक? A से लेके O की तरफ वो मूव कर रही है। AO, ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द मिरर अलोंग AO एंड एंगल AON, AON इज I, जो एंगल AON है वो I है, इज कॉल्ड इंसिडेंट रे एंड I इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, वेयर ON इज द नॉर्मल
ओ एन क्या है, नॉर्मल है, ये वाला जो लाइन है वो क्या है, नॉर्मल है। नेक्स्ट अगर बात करें, इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड अलोंग ओ बी, वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है किसके अलोंग, ओ बी के अलोंग, एट एन ओ बी इज इक्वल्स टू आर, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या है, आर है, एंड आर इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और वो जो रे है उसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को, मेरे हिसाब से ये चीज़ क्लियर होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अपन बाद में बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बेसिकली जो हैं मेरे पास में दो लॉ हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों के दोनों हमेशा क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, वो हमेशा सेम रहते हैं, कोई चीज़ में उसमें दिक्कत नहीं आती है। सेकंड क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, वो सेम प्लेन में लाई करते हैं, मतलब उन तीनों का जो है, उन तीनों को मिला के अगर एक प्लेन बनाया जाए तो वो प्लेन कैसा होगा, सेम प्लेन होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मिरर कितने टाइप के हो सकते हैं। तो मिरर अपन ने ऊपर देखा, एक प्लेन मिरर होता है, दूसरा जो अपने कोर्स में है वो है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर इज़ ए पार्ट ऑफ ए होलोस्फेयर, एक होलोस्फेयर का पार्ट होता है, हुज वन साइड इज़ रिफ्लेक्टिंग, जिसकी एक साइड क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग, एंड द अदर साइड इज़ ओपेक, मतलब और अदर साइड क्या होती है, ओपेक होती है। ओपेक होने का मतलब वो जो है उसके आर पार देखा नहीं जा सकता, मतलब उस पर पॉलिश कर दी जाती है या फिर कोटिंग कर दी जाती है। देर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, और स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के हैं, दो टाइप के, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। फर्स्ट है कॉनकेव मिरर, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टूअर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फेयर, अगर उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ होती है तो उस मिरर को अपन क्या बोलते हैं, जो है कॉनकेव मिरर बोलते हैं। जो फर्स्ट में दिखाया गया है अपना, वो कॉनकेव मिरर है। और दूसरा जो है, अगर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से दूर की तरफ है, ऑफ द स्फीयर व्हिच इज अ मिरर इज अ पार्ट इज नोन एज, या इज शोन इन फिगर बी, इज कॉल्ड कॉनवेक्स मिरर। क्या ये चीज़ क्लियर है। अब अपन अगले वीडियो में इनसे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, वो टर्मिनोलॉजी जो है क्या होगी, कैसे होगी, उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।